अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2023 का समापन हो गया है। लंका दहन के साथ दशहरे का समापन हुआ। कुल्लू दशहरा के अंतिम दिन भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकली। काफी संख्या में लोगों ने ढालपुर मैदान पहुंचकर रघुनाथ के रथ को खींचा। इस दौरान पूरा ढालपुर मैदान देव वाद्य यंत्रों की गूंज से भक्तिमय हो गया। इसके बाद भगवान रघुनाथ अपने देवालय सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा पूर्ण होने के साथ ही सभी देवी देवताओं ने अपने अपने मूल स्थान का रुख किया। कुल्लू दशहरा की शांतिमय ढंग से पूर्ण होने पर कुल्लू पुलिस ने समस्त जनता और अन्य जिलों से आए हुए पुलिस बलों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि सोमवार को ही ढालपुर मैदान में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। दोपहर बाद करीब 2:45 पर भगवान रघुनाथ के रथ के पास देवता पहुंचने शुरू हो गए थे। इसके बाद 3 भगवान रघुनाथ रथ में सवार हुए। 3:15 पर रथ यात्रा शुरू हुई और भगवान रघुनाथ लंका दहन की परंपरा निभाने निकले। लंका दहन की परंपरा का राज परिवार के लोगों ने लंका बेकर स्थित एक स्थान पर निर्वहन किया। वहीं कुल्लू दशहरा के समापन के अवसर पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में आए देवी देवताओं की नजराना राशि को 5% बढ़ाने का ऐलान किया। बाह्य सराज से आने वाले देवी देवताओं को मिलने वाले दूरी भत्ते में भी 5% की वृद्धि की गई है। देवी देवताओं के भजंत्रियों का मानदेय भी 10% बढ़ाने का ऐलान किया गया। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।